कटनी में कांग्रेसियों ने महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव 400 किलोमीटर की यात्रा पर शुक्रवार को कटनी पहुंचे। यहां जिला कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों का जमावड़ा देखने को मिला। कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और बीजेपी सरकार पर हमला बोला। बताया गया कि जबलपुर से शुरू महासचिव की ये यात्रा सीधी में समाप्त होगी। सीधी में समापन के दौरान बड़ा प्रदर्शन करके महंगाई के खिलाफ विरोध किया जाएगा। युवक कांग्रेस के द्वारा जबलपुर से एक यात्रा प्रारंभ की गई है जो कि महंगाई विरोधी संघर्ष यात्रा है और देश में जो महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं उसको लेकर के साइकिल यात्रा जबलपुर से युवक कांग्रेस के साथियों ने निकाली है जो कि शहरा में रुक करके दोबारा कटनी में रुक करके यहाँ से मैयर सतना रीवा होकर के सीधी तक जाएगी और युवक कांग्रेस के द्वारा ये जामात जो साथी है उनके द्वारा ये साइकिल यात्रा निकाली गई है। हमारे जो यूथ कांग्रेस के साथी हैं जबलपुर से वो साइकिल यात्रा लेकर सीधी तक जा रहे हैं और बढ़े हुए मूल्यों का पेट्रोल मूल्यों का प्रतिकार कर रहे हैं, तो इसी संबंध में यात्रा आज कटनी पहुंची थी जहां हमारे वरिष्ठ नेता एवं जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जो है माननीय मिथिलेश जैन साहब और माननीय गुमान सिंह जी और समस्त वरिष्ठ युवा कांग्रेस जनों ने उस यात्रा का स्वागत किया और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सीमित लोगों की संख्या में उपस्थित होकर यहां पर माननीय